गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 3। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग आए हुए हैं मौसी जी के यहाँ शादी में। मौसी जी की बेटी की शादी थी, बस शादी अटेंड की एंड उसके बाद मौसी जी से मिलके और मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए एंड उसके बाद फिर अभी हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। मामा जी आए हैं हमें स्टेशन छोड़ने के लिए और बस ललितपुर से हमको पकड़नी है ट्रेन, चलते हैं घर। एंड बैक टू बैक शादियाँ एंड ट्रेवल होना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नींद इतनी ज़्यादा हो रही थी एंड थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस सोने को मिल जाए तो ज़्यादा सही। और इस बार पता है इतना, मतलब ऐसा ट्रैवल मैंने कभी नहीं किया जैसा इस बार परेशान हुए। दीदी हमारे साथ में जा रही हैं, बच्चे भी थे दो और हमारा रिजर्वेशन भी नहीं था तो थोड़ा सा परेशान हो गए थे हम, क्योंकि बच्चों के साथ सीट होना बहुत ज़रूरी है और नहीं तो समझ ही सकते हैं क्या हालत होती है। सो बस स्टेशन पहुँचे एंड वहाँ पर हम लोग अपना ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने सोचा जो 4 बजे ट्रेन आएगी उससे निकलेंगे, बट वो ट्रेन इतनी ज़्यादा मतलब भरी हुई थी ना और रिजर्वेशन भी नहीं था तो ऐसे जा भी नहीं सकते थे और बच्चे थे साथ में तो हम लोगों को सीट भी चाहिए थी। बट कोई नहीं, फिर वो 4 बजे वाली ट्रेन तो निकल गई थी, फिर हमने नेक्स्ट ट्रेन पकड़ी एंड उसके बाद थोड़ा बैठने वर को जगह मिल गई थी, वो ट्रेन पकड़ी और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर। सुबह से भी हम लोग पहुँच गए भोपाल और भोपाल स्टेशन में उतरना है क्योंकि यहाँ से हम लोग ट्रेन चेंज करेंगे इटारसी के लिए, यहाँ पर उतरते हैं एंड ट्रेन चेंज करते हैं। भोपाल से हम लोगों ने ट्रेन चेंज की और पता है जब रिजर्वेशन नहीं होता है ना तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बस यहाँ पे ये देखो हमारे दोनों बच्चे खड़े हुए हैं, दोनों बच्चे क्या हम लोगों को सीट ही नहीं मिली इस बार तो बैठने के लिए इस ट्रेन में, तो सारे लोग खड़े हुए थे और दोनों बच्चों को थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दिया था जिससे कि वो एक जगह खड़े रहें एंड डोर के पास खड़े हो गए थे ना तो थोड़ा सा वो बाहर का व्यू देखते जा रहे थे एंड बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत परेशान करते ही हैं। एंड ये देखो हम डोर के पास खड़े हुए हैं तो कितने सारे लोग खड़े हुए, मतलब कि खड़े होने भर के लिए जगह थी बैठने का, वहाँ कोई कॉलम। होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? नर्मदापुरम। अच्छा, होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया नर्मदापुरम। सो अभी हम लोग पहुँच गए होशंगाबाद और इसके बाद आएगा हमारा स्टेशन नेक्स्ट, यहाँ मुझे आना है टैक्सी। और बहुत इस सफ़र में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि ना हम लोगों ने टिकट से आए हुए थे, रिजर्वेशन नहीं लिया हुआ था और पापा जी भी साथ में थे ना, बट कोई नहीं फाइनली हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी 15 मिनट और लगेंगे यहाँ से हम पहुंचने में। शकल के देखो ना 12 बजे हुए हैं, सही में ना ऐसी हालत हो गई है, नींद तो इतनी कस के आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यूसली कितने दिन से नहीं सो, 3-4 दिन से नहीं सो पा रहे, आज भी नहीं सोए। बट कोई नहीं, अब घर जाके सोएंगे आराम से, मस्त रेस्ट करेंगे। दीदी बहुत परेशान होंगी, बच्चे क्योंकि बहुत परेशान थे, दिन का ट्रैवल करो ना तो बच्चे वैसे भी बहुत परेशान करते हैं। फाइनली पहुँच गए हैं स्टेशन पे, हमारी ट्रेन बनने वाली है। सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि कई दिनों से नींद अच्छे से नहीं हो रही है, ऊपर से ट्रैवल भी करना पड़ रहा है ना तो हालत ऐसी ही हो गई। बस हम लोग पहुँच गए स्टेशन, वहाँ से ऑटो पकड़ा एंड उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर। और घर पे देखो रुद्रांश के चाचू वेट कर रहे थे बेसब्री से एंड रॉबिन फर्स्ट टाइम नानू नानी के घर आए तो रॉबिन का वेलकम किया रॉबिन के छोटे मामू एंड मामी ने मिल के। ऊपर नहीं, ऊपर अंदर चलो, अंदर अंदर रॉबिन फर्स्ट टाइम नानी के आया, रॉबिन की एंट्री हो रही है, ना टीका लगवाना है कुछ नहीं, नाराज हो गया। अच्छा अच्छा इधर तो सुनो, इधर तो सुनो, कहाँ आ गए? ऊपर जाना है। देखा देखा देखा, ओ फेंक दी फेंक दी। अब फिर से पहनाएंगे अच्छा हमें पहना दो।
अच्छा मामू को पहना दो, पहना दो मामू को, भैया को पहना दो, ऑटो के जा रहा हूं। आपका वेलकम हो गया है। नंत मंजन करवा दिया था कल सबको, ऐसे ऐसे ये करके। हम लोग आए, उसके बाद नहाया धोया एंड खाना खाने के बाद सो गए थे, और अब भी हो रहा है शाम का टाइम। एंड आज थी रंग पंचमी, तो इन लोगों ने जम के होली खेली। एंड बेचारी एक साली दो दो जीजाजी उन लोगों ने मिलके उसको इतना भिड़ाया, ये देखो पूरा ब्लॉग में आप लोग मिलेगी देखने के लिए। इन लोगों की मस्ती, जीजाजी से तूने गलत पंगा ले लिया है, तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ में लो, हाथ में गाल पोतना है भाई, मैं बीच में ना आऊंगी, बाल से बचा ले रहा हूँ। जीजाजियों के बीच में फंस गई बेचारी एक साली। अरे बुला ले, अरे पूछ जान लो उसको, समझ में तो है उसने गलत। बेटा तुम भी खेल लो मौसी के संग में। अरे बेटा ऊपर कपड़े खराब है, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको इसको देखो देखो तो कुछ ही लगा लिया, देख रहे इसको। मामू को लगकर के आ जाओ। अरे सूख जाने दे। ओ बेचारी गलत फंस गई तू। हरा रंग बहुत खराब होता है। अरे ये गुलाल था, ये मुंह धो ले, मुंह जाओ ना, देखा ना, देखा ना। पहले गाल बड़े थे, अब नाक बड़ गई, देखा ना। गया। मट्टी देख रही है ना, करेगी मट्टी से कीचड़ बनाएगी। बिना कलर के कैसे होली खेलेंगे, बिना कलर के कैसे होली खेलेंगे। बेचारी एक साली दो जीजाजी क्या क्या कर रहे मोड़ी, अब बच ले तू, बच ले। नहीं लगना जाए, लगना जाए, लगना जाए, जाएगी बेचारी बेचारी। बेटा तूने मेरे से भी पंगा ले लिया है। अरे यार इसने आँख में लगा लिया, पानी है इसमें, देखना। दोनों ही जीजाजियों ने उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी, बेचारी लास्ट में रोने लग गई। और उसको लग रहा था मैं जीजाजियों से तो जीत ही नहीं पा रही हूँ, तो पीछे से आई एंड मुझे कलर लगा दिया। एंड मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं थोड़ी बहुत होली खेलूँ, क्योंकि गाँव में इतनी ज़्यादा मस्ती की ना, तो अब हिम्मत ही नहीं थी मस्ती करने की। मेरे फेस की क्या दुर्दशा हो गई, मान जा कल को बदल मैं मट्टी डालूंगी। ओ मट्टी से पंगा लेगी, नुकसान नहीं रहेगी, याद रखियो। सो गाइस यहाँ पे चल रही है मामू भांजे की खूब सारी मस्ती। एंड बहुत जल्द हमारे घर में भी एक छोटा सा बेबी आने वाला है, और अभी आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए आगे। अब शादी वाले ब्लॉग नहीं मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि शादी खत्म हो गई, अब हम लोग आ गए घर। एंड अब आएगा हमारे घर में छोटा सा बेबी। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।